देखें माशाल्लाह हम पहुंच चुके हैं, ये फिर रास्ते में बोर्ड आया है साहब अकराम का, तो फाइनली हम बस करीब ही हैं बाजार के, तो चलते हैं, हमारा सफर जारी है, तो आप जाकर वहाँ पर ज़्यारत करते हैं। और ये देखें सामने मस्जिद भी आपको नज़र आ रही होगी, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी मस्जिद है। ऐसे भी आप लोगों को पता है अल्लाह ताला का घर तो ऐसे भी सबको ज़्यादा प्यारा होता है, तो इसके आस पास या लोगों से हमने पूछा है, उन्होंने बताया कि इसकी बैक साइड पर ही आपको मिल जाएगी मज़ार। प्यारिया देखिए इस इलाके में ये नहरी निज़ाम तो नहीं है, लेकिन इधर टूल वगैरह से फसलों को ज़रा किया जाता है, बहुत ज़्यादा अभी इसकी लगता है तमीर जारी है, क्योंकि उसके बाद देखते हैं अभी मुकम्मल तैयार नहीं हुआ। माशाल्लाह जहाँ भी अल्लाह वालों के मज़ार वगैरह होते हैं तो वहाँ पता चल जाता है कि वहाँ आसपास वो कोई अलग मस्जिद वगैरह भी होती है, बहुत ज़्यादा प्यार माहौल होता है, क्योंकि जहाँ भी हमने देखा आप लोगों ने भी देखा होगा जहाँ भी किसी अलग वाले की होती है मज़ार वगैरह होती है, दरबार वगैरह होती है ना, तो उधर आसपास मस्जिद वगैरह बनी होती है। अभी देखें हमारे मेरे पीछे आपको नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा प्यारी मस्जिद बनी हुई है, अभी इसकी तमीर भी जारी है, तो हम दिखाते हैं आपको उसके सामने। देखें वो सामने आपको रेत के टीले के ऊपर नज़र आ रहे हो, लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि उधर ही हैं सहाबा खान के मज़ार, चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम भी पहली दफ़ा आए हैं, लोगों ने बताया तो लोगों से सुना है। और इधर देखें ये सामने बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे बच्चे भी हमारे साथ आ गए, पूछने लगे कि आप लोग यहाँ पर क्या करें, तो हमने बताया कि हम जस्ट एक व्लॉग की वीडियो बना रहे हैं, तो ये देखें बहुत खुश हो रहे हैं ये बच्चे। खैर चलते हैं हम अपने सफ़र की तरफ, रवाना होते हैं माशाल्लाह, फिर से रवाना होने लगे हैं। ये देखें प्यारे प्यारे बच्चे माशाल्लाह, इनका भी अपना ध्यान रहता है, ये अपने मोल में मगन रहते हैं। खैर जब हम भी हुए बच्चे थे तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त माहौल था, यहाँ पर रेत के टीले हैं हमारी बाइक में चलाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, वो सामने नज़र आ रहे हैं आपको, वहाँ सहाबा कराम जो कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, उनके मज़ार हैं जहाँ पर झाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। तो ये देखें अल्लाह वालों की शान, जहाँ भी अल्लाह वाले होते हैं वहाँ पर जंगल में मंगल हो जाता है, वहाँ पर ही माशाल्लाह बहुत ही आबादी वगैरह होने लग जाती है। देखें ये सामने इधर आपको रेत के टीले नज़र आ रहे होंगे, ये पीछे वाला माहौल जो भी है ये रेत के टीले हैं, लेकिन जहाँ भी अल्लाह वाले होते हैं वहाँ पर आबादी वगैरह भी हो जाती है, पीछे सर सब्ज़ा भी हो गया, इधर सामने आपको घर भी नज़र आ रहे होंगे, मेरे पीछे जो साइड पीछे आपको घर भी नज़र आ रहे होंगे। तो खैर वो देखें कि अब्दुल रऊफ भाई भी जो हैं कि बाइक पर हैं जा रहे हैं सामने बाइक, क्योंकि यहाँ पर रेत कटीला है तो बाइक चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो ये देखें सामने हैं हमारे प्यारे सहाबा कराम के मज़ारात, तो जो कि ऊंचे टीले पर हैं, रेत के ऊंचे टीले पर हैं जहाँ पर बाइक चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए मैं तो उतर गया, तो अब्दुल रऊफ भाई जो हैं वो आपको मज़ीद तो आरफ करवाएँगे सहाबा कराम का, तो वहीं पर चल कर आपको ज़्यारत भी करवाते हैं और उनके तारफ़ भी उनके फ़ज़ाइल बरकात के बारे में भी आपको बताएंगे इंशाल्लाह।